गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइंड सेफ हेल्थी एंड स्टेइंग एट होम टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर फोर रूट्स एंड फ्लावर्स टॉपिक प्लांट्स देर आर मैनी प्लांट्स अराउंड अस सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल कहते हमारे आस पास में बहुत सारे प्लांट्स हैं कुछ बिग हैं और कुछ प्लांट्स स्मॉल हैं प्लांट्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग कहते जो प्लांट है एक लार्जेस्ट ग्रुप है किसका लिविंग थिंग्स का लिविंग थिंग्स क्या होती हैं दे ग्रो दे नीड फूड एंड वाटर दे ब्रीथ टू लिव द बॉडी ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स डैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस कहते जो प्लांट की बॉडी होती है वो डिफरेंट पार्ट से बनी होती है और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं दे हेल्प प्लांट टू ग्रो अपटेन फूड एंड स्टैंड अपराट और किस में हेल्प करते हैं ग्रो करने में अपटेन फूड में एंड स्टैंड स्टेट बिल्कुल सीधा खड़े रहने में प्लांट की हेल्प करते हैं पार्टस ऑफ अ प्लांट अ प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स जो प्लांट है उसके दो मेन पार्ट्स हैं कौन कौन से फर्स्ट शूट सिस्टम सेकेंड रूट सिस्टम शूट सिस्टम द पार्ट ऑफ द प्लांट डेट ग्रो अबब द ग्राउंड कहते वो प्लांट पार्ट प्लांट का जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं शूट इट ग्रोस अपवर्ड ऊपर की तरफ क्या करते हैं ये ग्रो करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स रूट सिस्टम द पार्ट ऑफ द प्लांट डेट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट कहते वो पार्ट जो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं it grows deep down inside the soil what is photosynthesis green plant make their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll it take place in the green leaves कहते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं किसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड मींस co2 एंड वाटर h2o किसके प्रेजेंस में सनलाइट और की प्रेजेंस में कहते इट टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स। नेक्स्ट टॉपिक रूट्स। टाइप्स ऑफ रूट्स प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स कहते प्लांट्स की दो टाइप्स हैं फर्स्ट टैप रूट सेकेंड फेब्रस रूट टैप रूट द मेन रूट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड इन टू द सोइल कहते जो मेन रूट होती है इसकी वो नीचे की ओर ग्रो करती है हम उनको क्या बोलते हैं टैप रूट इट हैज स्मॉलर एंड थिनर रूट्स कॉल्ड रूट हेयर अलोंग द साइड कहते हैं इसके छोटे और पतले रूट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं रूट हेयर ये साइड पे होते हैं रूट्स की साइड्स पे हेयर होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं रूट हेयर एग्जाम्पल कैरेट एंड रेडिश फेब्रस रूट्स द रूट्स आर नॉट ब्रांच बट आर मेड अप ऑफ थिन थ्रेड लाइक रूट ऑफ इक्वल लेंथ कमिंग आउट ऑफ स्टेम कहते जे रूट ब्रांच में नहीं होती और ये किससे बनी होती हैं थिन थ्रेड लाइक रूट्स होती हैं जब हम इनको स्टेम में से निकालते हैं तो इनकी इक्वल लेंथ होती है फेबरेट रूट्स डू नॉट गो डीप इन टू द सोइल कहते जो फेबरेट्स रूट्स होते हैं वो ज़्यादा डीप नहीं जाते सोयल में नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स फर्स्ट रूट्स हेल्प होल्ड द प्लांट फिर टू द ग्राउंड कहते जो जड़ होती है पौधे की वो मजबूत से जमीन को पकड़ के रखती है सेकेंड दे प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम गेटिंग अपरूटेड बाय स्ट्रॉन्ग बीन और स्टॉम्स कहते जब कोई भी तेज हवा या तूफान आती है तो पौधों को उखाड़ने से रोकते रोक के रखते हैं थर्ड रूट्स हेल्प प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल कहते हैं जो रूट है प्लांट की किसमें हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम द सॉइल फोर्थ द रूट ऑफ द सम प्लांट सच एज कैरेट एंड गिंगर स्टोर न्यूट्रेंट्स एंड फूड इन दैम कहते कुछ रूट्स ऐसे होती हैं हमें वो बताई हुई है कैरेट और गिंगर ये क्या स्टोर करके रखती हैं न्यूट्रेंट्स को और फूड को मोडिफाइड रूट्स द रूट्स ऑफ सम प्लान गो थ्रो चेंजेस इन स्ट्रक्चर टू परफॉर्म मोर फंक्शन कहते कुछ रूट ऐसे होती हैं जो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए बोथ टैप रूट एंड फेब्रस रूट अंडर गो चेंजेस कॉल्ड मॉडिफिकेशन जब टैप रूट और फेब्रस रूट चेंजेस होती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशन दीज रूट्स आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट्स और हम इन रूट्स को क्या बोलते हैं मॉडिफाइड रूट्स स्टोरेज रूट रूट्स डेट स्टोर एक्स्ट्रा फूड आर कॉल्ड स्टोरेज रूट कहते हैं वो रूट्स जिनके पास एक्स्ट्रा फूड होता है वो अपने में क्या करके रख लेते हैं स्टोर करके रख लेते हैं हम उनको क्या बोलते हैं स्टोरेज रूट्स एग्जाम्पल कैरेट रेडिश एंड व्हीट रूट्स वी ईट दिस रूट्स एज फूड देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्पोर्ट रूट स्पोर्ट रूट्स की कहते हैं कितने टाइप्स हैं फोर फर्स्ट प्रो प्रूट सेकेंड रूट, रूट थर्ड बुट्रेस रूट फोर्थ क्लिम्बिंग रूट्स प्रो प्रूट प्रो प्रूट्स आर एरियर रूट्स ऑफ ट्री कहते जो प्रो प्रूट है वो क्या है एरियर रूट्स हैं ट्री की दे हैंग फ्रॉम द हैवी ब्रांचिज एंड वो वर्टिकली डाउनवर्ड एंड पेनीट्रेट द सॉयल कहते ये हैंग किए हुए हैं हैवी ब्रांचिज से और नीचे की और ग्रो करते हैं और पेनीट्रेट द सोयल मिट्टी में घुस जाते हैं दे बिकम थिक एंड लुक लाइक पिल्लर कहते हैं हमें दिखने में कैसे दिखते हैं थिक और पिल्लर की तरह दिखते हैं हमें एग्जाम्पल बनानन ट्री इस पिक्चर में आपको ये बनानन ट्री की दिखाई गई है सिल्ट रूट रूट आर एरियर रूट्स डेट ग्रो फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम एंड एडिशनल सपोर्ट टू अ प्लांट कहते हैं सिल्ट रूट वो रूट्स होती हैं जो लोअर पार्ट से क्या करती हैं स्टेम की ग्रो करती हैं और एडिशनल स्पोर्ट्स देते हैं प्लांट्स को दे आर शॉर्ट एंड परिवाइड टू अ स्पोर्ट टू अ प्लांट लाइक द रोप्स ऑफ अ टेंट कहते हैं शॉर्ट होते हैं बट ये स्पोर्ट देते हैं प्लांट्स को लाइक द रोप ऑफ अ टेंट एग्जाम्पल मेज बुट्रेस रूट बुट्रस रूट्स आर फाउंड इन ट्रीज डैट ग्रो इन एरियाज वेयर द सॉइल इज नॉट वेरी रिच इन वाटर एंड मिनरल एंड डू नॉट ग्रो डीप इन टू द सॉइल कहते बुट्रेस रूट वहाँ पर ग्रो होती है जहाँ पे सॉइल होती है वेरी रिच होती है इन किस में वाटर और मिनरल्स में और ये ज़्यादा डीप ग्रो नहीं करते क्लिंबिंग रूट्स क्लिम्बिंग रूट्स आर एरियल रूट्स डेट अराइज फ्रॉम वीग स्टेम प्लांट्स टू हेल्प दैम क्लिम्बअ अप स्पोर्ट कहते जो क्लिम्बिंग रूट्स होती हैं वो एरियल रूट्स होती हैं और कहाँ से अराइज होती हैं वीक स्टेम प्लांट की वीक स्टेम से और किस में स्पोर्ट करती हैं ये क्लिंबप प्लान्ट क्लिम्बिंग अप में द दे क्लिम्ब अप ऑन एक्सटर्नल स्पोर्ट स्ट्रक्चर टू एक्सपोज दियर लीव्स टू सनलाइट ब्रीथिंग रूट्स ब्रीथिंग रूट्स आर फाउंड इन प्लांट डेट ग्रो इन सॉल्टी वाटर एंड मारसी रीजन कहते ब्रीथिंग रूट वहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर सॉल्टी वाटर और मारसी रीजन होता है द सॉयल इन दिस रीजन हैज लिटर एयर कहते इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा लिटर एयर होती है द रूट्स ऑफ दिस प्लाट ग्रो वर्टिकली अबब द वॉटर टू एब्जॉर्ब एयर कहते जो इसकी रूट्स होती हैं वो वर्टिकली क्या करती हैं ग्रो करती हैं अबब द Water to absorb air. I hope up to here you all understand the topics. Thanks and have a nice day.